हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस किया था इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज के लिए। अब बारी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज, तीनों के लिए हम लोग निकालना सीखेंगे। तीनों के फॉर्मुलेज पहले हम डिस्कस करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला ये है। ये दो फॉर्मुलेज हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है और इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ही हम लोग वेरियांस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियांस में माइनर सा फर्क है, बस न के बराबर फर्क है, तो साथ में ही डिस्कस हो जाएगा वो। और वेरियांस के करस्पॉन्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला क्या है इसका। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले तो सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो नोटेशन देख लीजिए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं। ये आधा न जो बना हुआ है इसको सिग्मा पढ़ते हैं हम लोग, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको शॉर्ट में। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, अंडर रूट में है पूरा का पूरा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन में एन। यहां पर एक्स बार क्या है, एक्स बार है मेन। अगर इस मेथड से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्चुअल मेन मेथड। यहां एक्स बार जो मेन निकलता है वो है मेन, मेन जो निकलता है, ठीक है। अगर इस मेथड की बात करें तो ये है अज्यूम्ड मेन मेथड। यहां पर हम लोग मेन अज्यूम करते हैं हमारी तरफ से। अज्यूम्ड मेन मेथड से हमने अर्थमेटिक मेन निकालना सीखा था, वो लेक्चर आप जरूर देखें क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्पेशली जब हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे तो मेन निकालना बहुत ज्यादा यूज आएगा अज्यूम्ड मेन मेथड से, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें, ठीक है। तो अभी देखते हैं अज्यूम्ड मेन मेथड से कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। डी डी मतलब एक्स माइनस ए होता है, जहां पर ए अज्यूम्ड मेन होता है, और ये हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है दोनों में, हर जगह एन का वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होता है वो। अब देखें कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड लगा दो तो वो कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, ठीक है। अब बात करें वेरियांस की, तो वेरियांस कुछ नहीं है, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का जस्ट स्क्वायर ही है, तो नोटेशन भी इसका सिग्मा स्क्वायर ही होता है। तो इसका जस्ट स्क्वायर है तो अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो फॉर्मुलेज इसके हैं उसका रूट हटा दो आप तो वो इसके फॉर्मुलेज बन जाएंगे, तो इसमें कुछ नया पढ़ने का नहीं है। मतलब अगर ये भी निकालने को बोले तो काम स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ही करना है, बस लास्ट में रूट नहीं लगाना है, नॉर्मल सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब बात करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 होता है, मतलब इसके अगर 100 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाता है वो। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये दोनों टॉपिक्स इससे और इससे मिलते हुए ही हैं ऑलमोस्ट, इसलिए हम लोग इसको साथ में ही पढ़ेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें चार चीजें हम लोग निकालेंगे, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ रही है, वेरियांस कितना आ रहा है उस क्वेश्चन में, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ रहा है उस क्वेश्चन के लिए। तो ये चार चीजें एक क्वेश्चन में हम लोग निकाल के चेक करेंगे कि भाई किस तरीके से निकालना है। दूसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को बहुत जगह पर शॉर्ट में सीवी लिखा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अब बात यह कि इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज लें। तो ये मेथड तो तब यूज लेना है जब आप एक्स बार इजीली निकाल पाओ, मतलब मीन आपका सिंपल में निकल रहा है, इंटीजर आंसर आ रहा है। इंटीजर मतलब जैसे 10 आ गया, 17 आ गया, 25 आ गया, ऐसे कुछ इंटीजर आंसर आ रहा है, पॉइंट्स में नहीं आ रहा। अगर पॉइंट्स में आ रहा है मीन तो फिर आपको इससे करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स में अगर मीन आ रहा है और फिर आप इससे कर रहे हो तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज लेते हैं, तब जब मीन पॉइंट्स में आ रहा हो, जैसे 13.25, 9.73, 11.24, इस तरह से अगर कुछ आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला। नॉर्मल आ रहा है 15, 17, 25, 30, तो ये वाला फॉर्मूला। ये है बस डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को दोनों से भी करके देखोगे ना, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है, आंसर हमेशा सेम आएगा। जो मेथड आपको लगाना है वो लगा सकते हो। मैं एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं जिसमें मैं दोनों मेथड्स अप्लाई करूंगा और हम लोग उसका आंसर ऑब्जर्व करेंगे कि सेम आएगा। अब वो कैसे करना है क्वेश्चन में अप्लाई ये दोनों फॉर्मूले, उसको वो मैं बता रहा हूं आपको। तो
इसमें से जो काम की चीज नहीं है वो एक बार मैं हटा देता हूं, जो मेन मेन फॉर्मुलेज है केवल मैं वो रख रहा हूं और क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड, जिसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहां पर। अब हम लोग स्टार्ट करें तो ये जो एग्जांपल है ये इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल है, सिंपल वैल्यूज लिखी हुई है, कहीं कोई फ्रीक्वेंसी की बात नहीं चल रही है। सबसे पहले तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो भी वैल्यूज हैं ये सभी एक्स मानी जाती है, ये सब एक्स है। एक्स बार हम लोग पहले निकाल लें तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आगे का काम करेंगे। तो एक्स बार कैसे निकालना है, सबसे पहले तो ये एक्स बार हमें निकालना है फॉर्मूला अप्लाई करके सिग्मा एक्स अपॉन एन वाला, ये हमारा एक्स बार का फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो सिग्मा एक्स मतलब सबका टोटल कर दो, 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई एन, मतलब 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, तो एन की वैल्यू 5 हो गई फिलहाल यहां पर, जो कि हमारे पास आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऊपर 70 बन रहा है, नीचे 5 बन रहा है, तो ये 14 हमारे पास मीन आ गया। मीन अगर हमारे पास आ गया है तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, एक्स में से एक्स बार को माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर सिग्मा लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले तो मैं एक्स लिख देता हूं, एक्स है हमारे पास 10, 12, 13, 15 और 20, ये हमारा एक्स है। अब मैं बात करूं एक्स माइनस एक्स बार की, पहले तो मैं कॉलम बनाऊंगा एक्स माइनस एक्स बार का। जब एक्स माइनस एक्स बार निकल जाएगा हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए, तो फिर हम बात करेंगे एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की, और जब स्क्वायर सबके लिए निकल जाएंगे तो लास्ट में सिग्मा मतलब लास्ट में उनका टोटल कर देंगे तो ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। एन हमारा फिक्स्ड है 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5 ही है तो उसकी टेंशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए एक्स माइनस एक्स बार मतलब एक्स में से माइनस करना है, एक्स बार मतलब 14, इन सभी में से 14 को माइनस करना है हमें। तो 10 माइनस 14 मैं यहां लिख भी देता हूं एक बार कि हम एक्चुअल में एक्स माइनस 14 करने जा रहे हैं। तो 10 माइनस 14 माइनस 4, 12 माइनस 14 माइनस 2, 13 माइनस 14 माइनस 1, 15 माइनस 14 1, 20 माइनस 14 6, स्क्वायर कर दें जरा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का हो जाएगा 36। हमें केवल इसके टोटल से मतलब है और किसी के टोटल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसके टोटल से मतलब है जो कि आ रहा है 58। अब इसका टोटल हमारे पास आ गया है तो हम सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखो तो ये बनेगा, देखिए 58 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 5, अंडर रूट निकालोगे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 11.6 का अंडर रूट आता है जो कि आएगा 3.4। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इस तरीके से मतलब सिंपल में आपको एक्स का कॉलम बना लेना है, जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो एक्स ही है, उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनेगा, ये रहा एक्स बार हमारा 14 आ गया, उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का कॉलम बनेगा और उसका टोटल कर लेना है आपको, और टोटल करके यहाँ फॉर्मूले में रखना है, आंसर आ जाएगा। अब ये तो हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो मैं यहीं पर निकाल देता हूं, जगह है काफी यहां पर। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा हमने निकाला है 3.4, एक्स बार हमारे पास है 14, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.2428। ये आया हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं बात करूं वेरियंस कितना आएगा, तो वेरियंस होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर ही होता है वो, सिग्मा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर मतलब रूट नहीं लगेगा, रूट नहीं लगेगा तो आंसर 11.6 है। रूट लगने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है, तो रूट के बिना तो 11.6 है, और वो जो रूट के बिना वैल्यू होती है वो वेरियंस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट चीज और निकाल लेते हैं, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, जिसको मैंने बोला था शॉर्ट में सीवी लिखेंगे हम लोग। कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हमने लिखा था सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब देखो यहां वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, सिग्मा अपॉन एक्स बार तो हमने निकाला ही है 0.2428, इंटू में बस 100 कर देना है,
तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24.28% आएगा। ये हमेशा परसेंट में आता है, 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आंसर परसेंट में आएगा, और यहां मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहां पर सिंपल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेन है सिग्मा निकालना और एक्स बार निकालना, उसके बाद की वैल्यूज तो इजीली निकल ही जाएंगी। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूं इस तरफ। दूसरा मेथड हमारा क्या है? दूसरा मेथड हमारे पास है अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको कुछ बुक्स में शॉर्टकट मेथड भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करना है। इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, इसका फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि भाई डी क्या है, यहां पर डी है एक्स माइनस ए, जहां पर ए हमारा अज्यूम्ड मीन है, जिसके नाम पर ये मेथड। पहले तो ये जाने कि अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होता है। अज्यूम्ड मीन जो हमारी वैल्यूज हैं उनमें से कोई एक वैल्यू हम लोग रैंडमली उठा लेते हैं और बोल देते हैं कि ये हमारा मीन है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, उसी को अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। अब कौन सी वैल्यू उसमें से उठाते हैं वो एक इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो कोई भी वैल्यू आप उठा सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारी एक्स अगर अरेंज्ड है सीक्वेंस में तो उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू हम लोग जनरली लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशंस काफी कम हो जाती हैं, तो कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करने के लिए हमारे एक्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके मिडिल मोस्ट वैल्यू जो बनती है वो अज्यूम्ड मीन जनरली कंसिडर किया जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप उसकी जगह किसी और से भी करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं तो फिलहाल मिडिल मोस्ट वैल्यू लेके कर रहा हूं। मैं एक बार x तो यहां लिख दूं, x हमारा है 10, 12, 13, 15 और 20। x के बाद नंबर आएगा d निकालने का। हमें एक तो सिग्मा d चाहिए, मतलब पहले d निकले तो उसका टोटल आएगा सिग्मा d। डी निकालने के बाद डी स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर के कॉलम का जो लास्ट में टोटल आएगा वो आएगा सिग्मा डी स्क्वायर। एन तो फिक्स्ड है 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ए निकाले हम लोग, ए फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू 13 को, ये ए मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो इसको अगर ए कंसिडर करते हो तो देखिये डी कितना आएगा, डी आएगा एक्स माइनस ए, ए मतलब 13, वो डी निकलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग 10 माइनस 13 माइनस 3, 12 माइनस 13 माइनस 1, 13 माइनस 13 0, 15 माइनस 13 2 और 20 माइनस 13 7, ये हमारा डी आ गया। एक तो हमें इसके टोटल की जरूरत पड़ेगी सिग्मा डी के लिए, मैं लिख देता हूं यहां सिग्मा डी हमारा आएगा 9 माइनस 4 विच इज 5। एक हम निकालेंगे डी स्क्वायर यहां के लिए, डी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। ये जब आप टोटल करोगे फाइनल तो ये आपके पास आएगा 49 प्लस 1 50, 50 एंड 13 63, ये हमारा डी स्क्वायर आ गया। अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखूं तो देखिए क्या आंसर बनता है, मैं इस तरफ रख देता हूं, जगह नहीं है उस तरफ। सिग्मा डी स्क्वायर मीन्स 63 डिवाइडेड बाई एन, एन मीन्स 5 है, माइनस सिग्मा डी हमारा 5 है डिवाइड में एन, एन मीन्स 5, और यहां जो वैल्यू आ रही है उसका होल स्क्वायर करना है। 63 डिवाइड बाई 5 अगर आप कैलकुलेट करो तो ये बनता है हमारा 12.6 अप्रोक्सीमेट, और माइनस 5 बाई 5 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 12.6 में से 1 माइनस करोगे तो 11.6 ही आएगा, जो कि उस समय भी आया था, जिसका आंसर 3.4 ही आने वाला है अगेन। और क्योंकि हमारा सिग्मा की वैल्यू ही सेम है तो इसका मतलब सिग्मा निकालो, कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, वेरिएंस निकालो, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालो, सब कुछ सेम ही आने वाला है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि आप किसी भी मेथड से करो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेथड हम कब यूज लेते हैं? ये मेथड हम यूज लेते हैं जब एक्स बार की वैल्यू इंटीजर आ रही हो, पॉइंट्स में नहीं आ रही हो, तो फिर ये मेथड यूज लेना कन्वीनियंट रहता है।
लेकिन अगर x बार की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही हो तो इस मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हो जाएंगी। जब ये माइनस करोगे और स्क्वायर करोगे तो उस समय फिर ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि अज्यूम्ड मीन में तो हम मीन को अज्यूम करते हैं, तो हम हमारी मर्जी से कोई भी सीरीज में से वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात विशेष ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू ही अज्यूम्ड मीन लिया जाए, ये ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। वो हम केवल इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। आप इसको 20 भी ले लेते ना एक ही वैल्यू अगर यहां पर, तो एट द एंड आंसर 3.4 ही आता एग्जैक्ट, 1% भी चेंज नहीं आता। वो तो हम बस कन्वीनियंस के लिए, हमारे कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए मिडिल मोस्ट वैल्यू ले लेते हैं। मिडिल में अगर दो वैल्यूज आ रही हैं तो आपकी मर्जी पड़े जो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक मेथड तो हमने दोनों से कर लिया। अब आगे ये क्वेश्चन हम एक ही मेथड से करेंगे, जो मेथड हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा क्वेश्चन को देख करके उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर। देखिए एक छोटी सी चीज यहां पर मिस हो गई थी कि ये रूट मीन स्क्वायर डेविएशन जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी स्टैंडर्ड डेविएशन को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इस फॉर्मूले को अगर हम एनालाइज करें ढंग से तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों बोलते हैं। देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये जो भी चीज है, अभी मैं इसको अगर छुपा दूं तो उसका सिग्मा करके एन से डिवाइड लगाया है। अगर हम सिग्मा किसी भी चीज का करके एन से डिवाइड लगाते हैं तो वो सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन की तरह ट्रीट हो गया। एक तरीके से हमने मीन निकाला है, तो हमने एक्चुअल में मीन निकाला है। अगर ये फॉर्मूला है तो हमने मीन निकाला है एक्स का, अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो हमने मीन निकाला है इस चीज का। किस चीज का मीन निकाला है हमने? x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का हमने मीन निकाला है। एक तरीके से ये है इसका मतलब। ये क्या चीज है? ये है किसी चीज का स्क्वायर, ये किसी चीज का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? स्क्वायर ऑफ दिस x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार को हम बोलते हैं डेविएशन। x माइनस एक्स बार को डेविएशन बोलते हैं। तो ये चीज स्क्वायर ऑफ डेविएशन है जिसका हमने मीन लिया हुआ है सिग्मा लगा करके और लास्ट में रूट किया हुआ है। तो रूट वो तो इसके लिए, उसके बाद स्क्वायर डेविएशन का क्या किया है? मीन लिया है। रूट मीन स्क्वायर ऑफ डेविएशन, इसलिए इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल अब देखते हैं हम लोग। देखिए सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, अब ये काफी लंबा सा है क्वेश्चन। इसका मीन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरे पूरे चांसेज हैं कि पॉइंट्स में आए। एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x बार अगर आप निकालोगे तो सिग्मा x अपॉन n निकलेगा। सिग्मा x मतलब 48 प्लस 43 प्लस 65 प्लस 57 प्लस 31 प्लस 60 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 59 प्लस 78 और डिवाइड में ये टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिवाइड में 10। जब आप इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 526 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू 52.6। मीन इसका पॉइंट्स में आ रहा है। तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते, हमें अज्यूम्ड मीन मेथड से आगे बढ़ना पड़ेगा वरना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंग सिग्मा निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर अंडर रूट। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, इसको भी सिग्मा पढ़ते हैं, इसको भी सिग्मा ही पढ़ते हैं, दोनों सिग्मा ही हैं, दोनों के मतलब अलग अलग हैं बस। ठीक है, अब डी कैसे निकालते हैं हम लोग? डी हमारे पास होता है हमेशा एक्स माइनस ए। तो अभी अभी हमने सीखा है कैसे काम करना है। हमें सबसे पहले एक्स बना देना है, एक्स का कॉलम बना देना है एक। अगर एक्स का कॉलम आप बनाओगे तो सीक्वेंस में अरेंज करना काफी फायदेमंद रहता है, उससे कैलकुलेशन कम हो जाएंगी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सीक्वेंस में अरेंज करके ही कैलकुलेशन हो, लेकिन सीक्वेंस में अरेंज करने से हमें अज्यूम्ड मीन अज्यूम करने में आसानी होगी। इसलिए मैं सीक्वेंस में अरेंज करके कर रहा हूं। तो सबसे पहले 31, उसके बाद 37, देन 43, उसके बाद आएगा 48, दो बार है तो दो बार लिखा जाएगा, उसके बाद नंबर है 50,
7, then 59, 57, 59, 60, 65, 78. 60, 65 and 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गए हैं. मिडिल मोस्ट को हम ए अज्यूम करते हैं, तो ये हमारे लिए अज्यूम्ड मीन हो जाएगा. ठीक है, तो x माइनस 48 आप निकालें. x माइनस 48 निकालोगे तो 31 में से 48 माइनस करोगे तो माइनस 17, 37 में से ये माइनस करोगे माइनस 11, माइनस 5, 0, 48 में से 48, 0, 57 माइनस 48 प्लस का 9 आएगा, 59 माइनस 48 11 आएगा, 60 माइनस 48 12 आएगा, 65 माइनस 48 17 आएगा, और 78 माइनस 48 30 आएगा. ठीक है, ये हमने x माइनस x बार निकाल लिया, मतलब ये हमने d निकाल लिया एक तरीके से. अब नेक्स्ट हमें निकालना है d स्क्वायर. d स्क्वायर के लिए माइनस 17 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 289 आएगा, माइनस 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 121, 12 का हो जाएगा 144, 17 का 289 एंड 30 का होगा 900. हमें टोटल निकालना है. ये टोटल आएगा सिग्मा डी, ये टोटल आएगा सिग्मा डी स्क्वायर, जो कि है 46 और 1970. ये है 46 और ये 1970. जब आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल ये आएगा. आप करके देख लेना आराम से. मैं फिलहाल फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ और देखिए क्या आंसर आता है. देखिए ये सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब है 1970 डिवाइडेड बाई एन, एन मीन्स 10, टोटल 10 लोग हैं, ये अभी निकाला हमने एन, माइनस सिग्मा डी 46 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर. जब आपके आप इसके स्क्वायर से इसको माइनस करोगे फाइनल, तो ये 175.84 बनता है. उसका अंडर रूट हमें निकालना है और उसका अंडर रूट आता है 13.26. ये हमारा सिग्मा की वैल्यू हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई. अब स्टैंडर्ड डेविएशन से कनेक्टेड काफी सारी चीजें हैं जो हम निकालते हैं. तो एक तो हम निकालेंगे कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने सीखा था, सिग्मा अपॉन एक्स बार. सिंपल इतना सा फॉर्मूला है इसका. सिग्मा की वैल्यू आप यहां रख दो, सिग्मा की वैल्यू है 13.26 अपॉन एक्स बार. x बार हमने निकाला है 52.6. जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये आएगा 0.2520. ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. आप डिवाइड देके आराम से चेक करें, इसको क्रॉस चेक कर लें, सबका आंसर सेम मिलेगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेरियंस. वेरियंस हमने सीखा है कि वो सिग्मा स्क्वायर ही होता है, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका स्क्वायर ही करना है. स्क्वायर करने का मतलब है रूट मत लगाओ, रूट नहीं लगाओगे तो यहां तक आंसर आ जाएगा. वो होगा 175.84. और लास्ट चीज हम कैलकुलेट करते हैं वो है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, जिसको शॉर्ट में सीवी भी लिखते हैं हम लोग. वो होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. सिग्मा अपॉन एक्स बार हमने ये निकाला हुआ है 0.2520. इसको केवल 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा आपका 25.2%. ये सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशंस में हम नहीं जा रहे हैं, हम लोग केवल कंसेप्ट सीख रहे हैं. कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे आराम से. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. सिंपल आपको एक्स का कॉलम बनाना है, उसके बाद डी का और फिर डी स्क्वायर का. डी निकालने के लिए आपको मीन को अज्यूम करना पड़ेगा. मीन अज्यूम करने के लिए मिडिल मोस्ट कोई वैल्यू ले लो. यहां पर आप नोटिस करेंगे कि मिडिल में दो वैल्यूज आ रही थी, लेकिन हमने 48 चुना है. आप चाहो तो 57 भी सेलेक्ट कर सकते थे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उसमें कोई भी अज्यूम मीन ले लो, आपका आराम से आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ में. उसके भी दो मेथड्स हैं, वो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. थैंक यू.